Morning, children. Today we will discuss about the chapter, the story, The Kingdom of Fools, Murkhun Ka Samrajya. The Kingdom of Fools, Murkhun Ka Samrajya. In the Kingdom of Fools, the king and the minister were idiots. Murkhun ke samrajya mein jo raja aur mantri hote hain, wo murkh hote hain. They ordered all things to be reversed. Unne aagya di ki sab cheezein ulti hongi. They decided to change night into day and day into night. उन्हें निश्चय किया कि दिन को रात में और रात को दिन में बदला जाए. They ordered people to do day's work in night and sleep in the day. उन्हें आज्ञा दी लोगों को कि वो जो रात जो दिन का कार्य है वो रात में करें और दिन में सो जाए. Anyone not obeying was to be punished with death. और कोई भी जो है उसकी इस बात की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा. सो द पीपल विद द फियर डिड एज दे वर आस्क्ड टू. तो इस प्रकार से लोगों ने डर की वजह से वही किया जो उनसे कहा गया करने को. दिस डिलाइटेड द किंग एंड द मिनिस्टर. और इसने जो है राजा और मंत्री दोनों को खुशी दी. अ गुरु एंड डिसिपल सी द सिटी. एक गुरु और जो एक शिष्य होता है वो शहर आते हैं. वंस अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक बार एक गुरु और एक शिष्य जो है शहर पहुंचते हैं. दे फाउंड एवरीवन अस्लीप ड्यूरिंग द डे. उन्हें पाया कि हर कोई जो है वो दिन में सो रहा होता है. नो एक्टिविटी वॉज ऑब्जर्व. कोई भी गतिविधि जो है वहां पे ऑब्जर्व नहीं की, यानी कि देखी नहीं गई. इट अमेज्ड देम. और इसने उन सबको जो है आकर्षित कर मतलब आश्चर्यचकित कर दिया. दे वॉन्डर्ड टिल इवनिंग. वो घूमते रहे शाम तक. देन द पीपल वॉक अप. फिर लोग जागे. They started doing their nightly business. और जो रात का जो व्यापार होता है लोगों का वो करना शुरू करते हैं. Now the two were hungry. अब दोनों जो गुरु और शिष्य थे वो भूखे थे. They bought some food items. उन्हें कुछ भोजन के आइटम्स खरीदे. The price of everything was same. और जो मूल्य था हर चीज का वो एक ही था. A single डुडू. एक डुडू. This surprised and delighted them. इसने उनको आश्चर्यचकित किया लेकिन खुश भी कर दिया. The guru realized that it was really a kingdom of fools. Guru ने महसूस किया कि वो सचमुच में एक साम्राज्य है मूर्खों का. Guru leaves the city but disciple remains there. The guru decided to leave the city of fools. Guru ने निश्चय किया कि वो मूर्खों के साम्राज्य को छोड़ देंगे. He asked his disciple and also leave the place. उसने अपने disciple से कहा कि आप चलो मेरे साथ इस स्थान को छोड़ते हैं. But disciple did not want to do so for cheap food. लेकिन जो शिष्य होता है वो ऐसा नहीं चाहता है क्योंकि उसको वहाँ पे सस्ता भोजन मिल रहा होता है. The guru advised the disciple that nothing could be predicted of fools. गुरु ने सलाह दी अपने शिष्य को कि मूर्खों से कुछ भी कल्पना करना मुश्किल है. But the disciple did not care. लेकिन जो disciple होता है वो ध्यान नहीं देता है. He remained behind. वो पीछे रहता है. Time passed on. समय गुजरता गया. The disciple ate to his fill. जितना हो सकता था भोजन disciple ने खाया. As a result he became very fit. और जिसके result के कारण जिसके कारण जो है वो बहुत मोटा हो गया. A thief breaks into a rich merchant's house. एक चोर जो है एक अमीर व्यापारी के घर में घुसता है. One day a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन एक चोर जो है एक अमीर व्यापारी के घर जाता है घुसता है. He was taking out the stolen things. वो चोरी की हुई चीजों को बाहर निकाल रहा था. Just then the wall of the old house fell on his head. तभी जो है जो दीवार होती है उस पुराने घर की वो उसके सर के ऊपर गिर जाती है. He was killed instantly. तुरंत वो वहां पे मर जाता है. The brother of the thief complained to the king about his death. और जो भाई होता है उस चोर का वो समस्या कंप्लेन करता है राजा को कि अपने भाई की मृत्यु के बारे में. ही ब्लेम द ओनर ऑफ द हाउस फॉर हिज ब्रदर्स डेथ. वो ब्लेम करता है उस घर के मालिक को अपनी भाई की मृत्यु के लिए. द ओनर इज समन. जो घर का मालिक होता है उसको बुलावा भेजा जाता है. द किंग हर्ड द अक्यूज्ड. राजा ने जो है जिसके ऊपर अक्यूजेशन लगा होता है यानी कि अपराध लगाया होता है
दोषी जिसको बोला जाता है उसकी बात सुनता है। he accused him of killing the thief। वह यानी राजा उसको अक्यूज करता है, यानी कि दोषित करता है या दोष डालता है उसके ऊपर कि उसने चोर को मारा है। बट द ऑनर सेड दैट ही वॉज इनोसेंट। लेकिन जो मालिक होता है उस घर का वो कहता है कि वो तो निर्दोष है। He said that the person who built the wall was responsible। वो कहता है कि इस दीवार को जिसने बनाया है वो उसके लिए जिम्मेदार हुए। He did not make the good wall। उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई थी। The king decided to summon the bricklayer। तो राजा ने जो है बुलावा भेजा bricklayer को, यानी मिस्त्री को। The king summons the bricklayer। राजा जो है bricklayer को, यानी कि मिस्त्री को बुलाता है। The king asked the bricklayer if he had built that wall। राजा पूछता है मिस्त्री से क्या उसने वो दीवार बनाई थी। He accused him of killing the thief। वो उसको ऊपर दोषारोपण करता है कि उसने उस चोर को मार डाला है। Before the king could order his death, इससे पहले कि राजा उसकी मौत का, यानी उसको दंड, मौत का दंड देने के लिए ऑर्डर करे, द bricklayer pleaded innocence। bricklayer यानी मिस्त्री जो है दावा करता है निर्दोष होने का। He told the king that he could not concentrate while building the wall। वो राजा से कहता है कि वो ध्यान नहीं दे पाया जब वो दीवार बना रहा था। A dancing girl moved in the street। एक नाचने वाली लड़की जो है वो गली में चल जा रही थी या इधर उधर जा रही थी। So she was responsible for it। तो इसलिए वह औरत या वह लड़की जो है इसके लिए जिम्मेदार है। The dancing girl is some, जो नाचने वाली लड़की है उसको बुलावा भेजा जाता है। द किंग चार्ज द डांसिंग गर्ल ऑफ किलिंग द थीफ। राजा जो है डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की को, उस चोर को मारने का दोष या दोषारोपण करते हैं। द डांसिंग गर्ल सेड, नाचने वाली लड़की कहती है दैट की द गोल्ड स्मिथ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो सुनार होता है वो इसके लिए जिम्मेदार था। शी हैड गिवन सम गोल्ड टू हिम, उसने कुछ सोना जो है उसको दिया था। He had to make some jewelry for her, और उसको कुछ उसके उससे आभूषण बनाने थे। He was lazy, वो बहुत आलसी था। He did not make the jewelry early, वो जल्दी ही जो है आभूषण नहीं बना पाया। So she had to walk up and down the street, तो इसलिए उसको बार बार गली में ऊपर और नीचे जाना पड़ा। So it was the goldsmith's fault, तो ये जो गलती थी वो सुनार की थी। The goldsmith and his plea, goldsmith और उसकी दावा या उसकी प्रार्थना। द किंग नाउ ऑर्डर टू समन द गोल्डस्मिथ, राजा ने अब आज्ञा दी कि सुनार को बुलाया जाए। द गोल्डस्मिथ रिप्लाइड दैट देयर वाज अ वेडिंग इन द रिच मैनस हाउस। सुनार जवाब देता है कि एक शादी का समारोह होता है अमीर आदमी के घर में। ही हैड टू मेक ज्वेलरी फॉर हिम, और उसको जो है उसके लिए आभूषण बनाने थे। सो ही कुड नॉट फिनिश द ज्वेलरी ऑफ द डांसिंग गर्ल इन टाइम, तो इसलिए जो है वो नाचने वाली लड़की के आभूषण जो है समय पे नहीं बना पाया। द रिच मैन इज समन्ड बिफोर द किंग, अमीर आदमी को राजा के सामने बुलाया जाता है। द किंग डिक्लेयर द रिच मैन टू बी द मर्डरर, राजा घोषणा करता है कि वो अमीर आदमी ही जो है मर्डरर है, यानी कि जिसने हत्या कर रखी है। He was also the owner of that house, और वही उस घर का मालिक भी होता है। But he said that his father had ordered the jewelry, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसके पिताजी ने जो है आभूषण बनाने के लिए ऑर्डर दिया था। The king consulted his minister, तो राजा ने परामर्श लिया अपने मंत्री का। He decided that the owner to be punished, और निश्चय किया उसने कि उस मालिक को ही दंड दिया जाना चाहिए। In his father place, उसके पिताजी के स्थान पर। The king asked for a new stake to be made ready for the owners to die। राजा ने कहा या पूछा या डिमांड करी कि एक नया स्टेक, एक नई खूंटी बनाई जाए, तैयार की जाए उस मालिक यानी घर के मालिक की मृत्यु के लिए, फांसी की खूंटी। हाँ, बट द ऑनर वॉज वेरी थिन, लेकिन जो मालिक था वो बहुत पतला था। इट कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड, और वह जो है उस खूंटी पर फांसी उसको नहीं दी जा सकती थी। The king was worried about it, राजा इसके बारे में चिंतित होता है। Then he ordered to search a man who was fit for the stake, फिर वो आज्ञा देता है कि कैसे आदमी को खोजा जाए जो उस खूंटी पर फिट बैठे।
शुड बी एग्जीक्यूटेड और उसको जो है मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। द डिसिपल इज इन ट्रबल, अब जो डिसिपल होता है यानी कि जो शिष्य होता है वो कष्ट में होता है। द डिसिपल वॉज फाउंड फिट फॉर दिस डे, और जो शिष्य होता है वो बिल्कुल फिट पाया जाता है उस खूंटी के लिए। ही वॉज ब्रॉट टू द पैलेस प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उसको लाया जाता है जहाँ पे फांसी की सजा दी जानी होती है। द डिसिपल नाउ रिमेंबर हिज गुरु हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब जो शिष्य होता है वो याद करता है अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों को। ही प्रे टू हिज गुरु, वो प्रार्थना करता है अपने गुरु से। द गुरु हैड मैजिक पावर्स टू सी द पास्ट, गुरु के पास जो है मैजिक जादुई शक्तियाँ होती हैं भूतकाल को देखने के लिए एंड द फ्यूचर और भविष्य को देखने के लिए भी। ही सा एवरीथिंग, उसने सब कुछ देखा। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो तुरंत वहाँ पहुँचता है अपने शिष्य को बचाने के लिए। ही टोल्ड हिज डिसिपल समथिंग इन अ लो वॉइस, वो बहुत कम आवाज़ में अपने शिष्य से कुछ कहता है। डिसिपल अंडरस्टूड दिस, और जो शिष्य होता है वो समझ जाता है इसको। द गुरुज ट्रिक टू सेव हिज डिसिपल, गुरु की जो चालाकी होती है अपने शिष्य को बचाने के लिए। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ स्टार्टेड फाइटिंग, गुरु और जो शिष्य होते हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से। द गुरु वॉन्टेड टू डाई फर्स्ट, गुरु जो है पहले मरना चाहता है। द किंग आस्क्ड द गुरु व्हाई ही वॉन्टेड टू डाई, किंग गुरु से पूछता है कि वो क्यों मरना चाहता है। द गुरु टोल्ड द किंग इन हिज ईयर दैट देयर सिटी वॉज इन, गुरु जो होता है वो राजा को उसके कान में कहता है कि उनका जो शहर है वो बिल्कुल यूनिक है, मतलब अद्भुत है। दिस वॉज द स्टैक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, और जो ये खूटी है ये न्याय के देवता की खूटी है। द स्टैक वॉज न्यू, और जो खूटी वो नई है। इट वॉज नेवर यूज अर्लियर ऑन क्रिमिनल्स, और यह अपराधियों के ऊपर पहले कभी प्रयोग नहीं की गई है। हू एवर डाइड ऑन इट फर्स्ट, जो कोई भी इसके ऊपर पहले मरेगा वुड बी बॉर्न अ किंग, उसका जन्म होगा एक राजा के रूप में। हू एवर डाइड नेक्स्ट वुड बी बॉर्न एज अ मिनिस्टर, जो भी उसके बाद मरेगा इसके ऊपर वह मंत्री के रूप में जन्म लेगा। द किंग डिसाइड्स टू डाई, राजा निश्चय करता है मरने के लिए। द किंग थॉट ओवर द होल केस, राजा ने पूरे केस के बारे में पूरा सोचा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम इवन इन हिज नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो, वो अपने राज्य को अगले जन्म में भी नहीं खोना चाहता था। सो ही टॉक टू हिज मिनिस्टर, उसने अपने मंत्री से बातचीत करी। द किंग सेड दैट दे वुड गो ऑन स्टेक देमसेल्फ, राजा ने कहा कि वे स्वयं उस खूटी पर चढ़ेंगे। दस दे वुड बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, इस प्रकार से दोनों का जन्म फिर मंत्री और राजा के रूप में होगा। द किंग एंड मिनिस्टर वर सीक्रेटली वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, राजा और मंत्री चुपचाप तरीके से जेल में जाते हैं। द रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने गुरु और शिष्य को जो है छोड़ दिया। द पुट देमसेल्व इन देयर प्लेसेस, उन्होंने अपने आप को उनके स्थान पर रखा। सो दे वर टेकन टू द स्टेक एंड एग्जीक्यूटेड, और वो उनको जो है उनके स्थान में रखा गया और स्टेक पे यानी खूंटी पे मृत्यु दे दी गई, यानी कि फांसी की सजा दे दी गई। द गुरु एंड डिसिपल बिकेम द किंग एंड द मिनिस्टर, गुरु और जो शिष्य होते हैं वो मंत्री और राजा बन जाते हैं, यानी कि गुरु राजा और मंत्री शिष्य। द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर वर टेकन डाउन, मृत शरीर होते हैं राजा के और मंत्री को उनको नीचे लाया जाता है। द पीपल मोर्न their deaths, लोगों ने उनकी मौत पर जो है शोक करा। they discussed the future of the kingdom, उन्होंने बातचीत करी राज्य के भविष्य के बारे में। suddenly some people thought of the guru and the disciple, अचानक कुछ लोगों को समझ में आया या विचार किया उन्होंने क्यों ना गुरु और शिष्य से पूछा जाए। they were secretly leaving the city, वो चुपचाप तरीके से शहर को छोड़े होते हैं। people saw them, लोगों ने उनको देखा। they requested them to be their new king and the minister, उन्होंने प्रार्थना करी उनसे कि वो उनका नया राजा और मंत्री बने। पर दे पुट वन कंडीशन, लेकिन दोनों गुरु और शिष्य ने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी कि इट वॉज टू बी चेंज ऑल द ओल्ड एज, कि जो पुराने सारे नियम है उनको बदला जाएगा। सो दे चेंज द लॉज, और इस प्रकार से उन्हें पूरे नियम बदल दिए। सो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।